राजनांदगांव में जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने मध्य प्रदेश की सीमा से लगे गातापार थाना क्षेत्र में सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के चार डंप को बरामद किया है, जिसमें उन्होंने वायरलेस सेट, आईडी बनाने वाला कुकर, मेडिकल किट सहित नक्सलियों के दैनिक उपयोगी सामग्री को भी भारी मात्रा में जब्त किया है। जैसे हमारे पास प्रोसेस आती गई बढ़ती गई, तो हमने नए एरियाज में जहाँ पर हम लोगों का उपस्थित नहीं था वहाँ पर नए कैंप खोले, और जैसे जैसे नए कैंप खोले और हमारे जो इन्फॉर्मेशन का जो नेटवर्क बढ़ता गया, जैसे हम अंदर तक घुसते गए लोगों का इन्फॉर्मेशन हम पर विश्वास बढ़ता गया, उन्होंने लेते गए, और उसी का नतीजा है कि उस एरियाज में जहाँ जहाँ उन्होंने डंप जो अपने जमा कर रखे थे पुलिस रिकवर कर रही है। जहाँ तक उनके यूनिफॉर्म की बेल्ट की जो बात हो रही है कि नए जो है भर्ती किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो लोग क्या उस सामान को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं कि जब जरूरत पड़ती है, जब कोई सामान पुराना हो जाता है बार बार किसी को कोरियर को मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और उसी से लोग यूज करते हैं। जैसे हमारे